शरद की पूर्णिमा तिथि पूर्ण चंद्र के दिन भगवान ने आमंत्रित किया गोपियों को रास करने के लिए। इंतजार कर रही गोपियां भगवान के बताए हुए उस दिन का, क्योंकि भगवान का वो दिन जो महारास होगा रास होगा गिनने लग गईं। अब इतने दिन के बाद, अब इतना दिन बचा, अब इतना दिन बचा, अब बस दो दिन बचा, अब बस एक दिन बचा, अब बस आज शाम में भगवान बंसी बजाएंगे, बस आज दोपहर हो गई। जो प्रेम करता है उसका इंतजार बहुत मुश्किल से बीतता है, वो इंतजार नहीं कर पाता। गोपियां भगवान का इंतजार नहीं कर पा रही, वो दिन का, वो इंतजार पर इंतजार पर इंतजार पर इंतजार, और समय आ गया इंतजार समाप्ति का। बजाया भगवान ने बंसी की धुन, और वो बंसी की धुन जब बजने लगी भगवान की, तो वही बंसी की धुन वृंदावन की कुंज गलियों में यमुना के जल के किरलव को छूती हुई वो बंसी की धुन गोपियों के कानों तक आने लग गई। अपने कर्मों को पूरा कर रही गोपियां, कोई भोजन बना रहा है, कोई सेवा कर रहा है पति की, कोई बालक को दूध पिला रहा है, कोई अपने गौ माता की सेवा कर रहा है, कोई घर का काम अन्यत्र काम कर रहा है, कोई बिस्तर लगा रहा है पतिदेव को सोना सुलाने के लिए। और वो पूर्ण चंद्रमासी को जब भगवान की पावन मधुरमयी बंसी बजी तो गोपियां मोहित हो गईं। आवाज आई, सखी चल कन्हैया की बंसी है ये, बुलाया है कन्हैया ने। और कन्हैया का बुलावा है, उसने कहा था पूर्णिमा के चंद्र के वाले दिन हम मिलेंगे, कहां? यमुना तट पर। चल पड़ी गोपियां भगवान की प्यारी बंसी की धुन सुनकर, मोहित हो गई गोपियां भगवान की प्यारी बंसी पर, झुंड के झुंड बनाकर जाने लग गई गोपियां प्रेम से, अपने काम को छोड़ करके। एक ने कहा कि अरे घर का काम छोड़कर कहां जा रही हूं, बोले अब घर वापस ही नहीं आना है हमको तो। कोई पति को छोड़कर जा रहा है, कोई रसोई छोड़कर जा रहा है, कोई सास को छोड़कर जा रहा है, कोई बच्चे को छोड़कर जा रहा है, और कोई तो इस संसार को छोड़कर भगवान के पास जा रहा है। छोड़ना पड़ता है जो गोविंद की शरण में आता है, और या ये कहा जाए जो गोविंद की शरण में आता है उसका संसार छूट जाता है। चल पड़ी गोपियां, पहुंच गई भगवान के पास, और भगवान नेत्र बंद करके बंसी की धुन बजा रहे हैं। आनंद के भाव से गोपियां बंसी की धुन सुन रही हैं, नेत्र बंद करके भाव से भगवान के चारों तरफ बैठ करके बंसी की तान सुन रही हैं। बजते 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 भगवान ने बंसी बजानी बंद कर दी, और जो सुन रही थी वो ध्यान लग गया, समाधि लग गई गोपियों को। और जब बंसी बजनी बंद हो गई तो आंख खोला, अरे कन्हैया तूने बंसी बजाना बंद कर दिया। भगवान ने कहा मैं छोटा हूं, 7 वर्ष की तो मेरी आयु है, रात हो गई, कितनी देर बंसी बजाऊंगा, मुझे घर जाना है, भोजन करना है, मैया यशोदा खोज रही होंगी, मुझे सोना है, कल प्रातःकाल गैये चराने जाना है। तुम सबको किसने बुलाया, क्यों आई हो तुम सब, क्या करने आई हो, या यहां आवश्यकता नहीं आप लोगों की, मैं तो बस आज थोड़ा सा परेशान हो गया था, थक गया था, इसलिए बंसी बजाने लगा। गोपियों ने कहा तुम ही ने तो बुलाया था लाला, कनुआ तेरे ही कहने पर तो हम आई हैं। भगवान कहते मैंने कब बुलाया, गोपियां कहते उसी दिन तो तुमने कहा था जब हम यमुना पर स्नान करने गए थे, तो आपने कहा था हम पूर्णमासी के दिन बंसी बजाएंगे, आप आना, हम रास करेंगे, भूल गए? भगवान ने कहा मैंने कोई बात नहीं की,
तुम सब झूठी हो, झूठ बोलती हो मेरे से। नाना एक तरफ तो तुम मैया के पास जाकर शिकायत करती हो, दूसरी तरफ हमसे कहती हो रास करो फिर महाराज करो। तुम सब बदमाश हो गोपियां, हमें नहीं रचाना कोई रास महाराज। अभी तुम्हारे साथ रास करें महाराज करें और कल फिर तुम हमारी पिटाई करवाओ मैया से। मैं ना बजा रहा बंसी, मैं ना कर रहा रास, और तुम सब भी जाओ, मैंने ना बुलाया तुम लोगों को। उदास हो गई गोपियां, चूंकि कन्हैया ने बुलाया, भगवान ने पुकारा, भगवान ने समय दिया, भगवान का आमंत्रण और भगवान का ही पत्र जो बंसी की धुन पर गया। किसी को मैं कहूं आप इतने बजे आना, फिर वो फोन करे महाराज आ जाऊं, मैं कहूं हाँ बिल्कुल आ जाओ, फिर आने के बाद कहे आ जाऊं, मैं कहूं हाँ जाओ, और जब पहुंचे तो मैं कहूं हाँ जी कौन, किसने बुलाया, क्या करने आए, चलिए निकलिए जाइए, हम आपको नहीं पहचानते, अच्छा लगेगा? और ज्यादा ही तगड़ा आदमी होगा तो दो चार झापड़ा वो हमको धर देगा। जब पहचानते नहीं हो तो बुलाया काहे, टाइम बर्बाद कर ले। गोपियों को भगवान कहते हैं हम नहीं पहचानते आपको, कौन हो आप, क्या करने आई हो, किसने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। गोपियां कहती हैं कन्हैया हम आपके लिए संसार छोड़कर आए हैं। भगवान ने कहा मैंने तो नहीं कहा था संसार छोड़ने, हम आपके लिए परिवार छोड़कर आए। भगवान ने कहा मैंने परिवार छोड़ने की बात तो नहीं कही थी, हम आपके लिए घर द्वार सब छोड़कर आए हैं, आप मुझे जाने के लिए वापस संसार में जाने की बात कह रहे हो। भगवान ने कहा मैंने बुलाया कब, मैंने नहीं बुलाया, जाओ आप सब यहां से। तो गोपियों ने कहा जब आपने नहीं बुलाया तो गोविंद चिंता मत करो, हम अपनी मर्जी से आए हैं, और जब अपनी मर्जी हमारी चल रही है तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। जब हम अपनी मर्जी से आपके पास आए तो अपनी मर्जी से ही तो जाएंगे भी, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। भगवान सोचने लग गए ये गोपियों की श्रद्धा सचमुच में अड़िग है या डगमगा भी जाती है, ये गोपियों की श्रद्धा गोपियों की भक्ति प्रबल है कि नहीं है, गोपियों में भक्ति श्रेष्ठ है कि नहीं है, कहीं गोपियों की भक्ति डगमगा तो नहीं रही है, गोपियों की भक्ति स्थिर है कि नहीं है। और ये ध्यान लगाने लग गए भगवान, जानते हो क्या करने लग गए भगवान, परीक्षा लेने लग गए गोपियों की, परीक्षा ले रहे हैं भगवान गोपियों की। और जानते हो भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, कभी भगवान की परीक्षा में हताश नहीं होना चाहिए भक्तों को, क्योंकि भगवान परीक्षा जरूर लेंगे, और परीक्षा में जो भगवान का फेल हो जाता है उससे भगवान दूरियां बना लेते हैं। फेल होने का कारण अभिमान होता है, फेल होने का कारण केवल मैं हूं मेरे अलावा कोई नहीं, ये होता है। भगवान के भक्त फेल हो जाते हैं जब उन्हें अभिमान आ जाता है कि हम भक्ति ज्यादा कर रहे हैं, भगवान के भक्त फेल हो जाते हैं तब जब उन्हें लगता है हम व्रत ज्यादा कर रहे हैं, भगवान के भक्त फेल हो जाते हैं जब उन्हें लगता है हम माला जाप ज्यादा कर रहे हैं, भगवान के भक्त फेल हो जाते हैं जब उन्हें लगता है हम कथा में सबसे आगे आते हैं। श्रद्धा दूर हो जाती, भक्ति दूर हो जाती है, और धारण कर लेते हैं हम अभिमान का, और अभिमान कलयुग का सूचक है, हमारे मस्तक से भक्ति नहीं रहती, फिर हमारा मान सम्मान स्वाभिमान अभिमान ये जगता है, मैं ही तो हूं, अभिमान में क्या चाहिए, मान सम्मान हमारी प्रतिष्ठा हो। जानते हो भगवान ने जगाया गोपियों का अभिमान, समाप्त नहीं हुआ था, जड़ से समाप्त नहीं हुआ था गोपियों का अभिमान। भगवान ने कहा हाय सुंदरी तू सामने जो बैठी है बड़ी सुंदर लगती है। अब तो जिसको भगवान ने कहा वो तो गुलगुला गई एकदम रसगुल्ले जैसी, भगवान ने सुंदरी कह दिया, और अगल बगल वाले कहने लग गए हम सुंदरी नहीं है क्या। भगवान ने कहा अरे सुन तो सही,
लेकिन तुम सब में ये जो है ना, जिसके गाल टमाटर जैसे लाल लाल हैं, ये ज्यादा सुंदर है। अब तो भैया उसको लगने लगा कि समस्त गोपियों में हम ही तो सुंदर हैं। कन्हैया हम शिकायत भले ही करने जाते हैं यशोदा के पास, लेकिन मन हमारा खराब नहीं है, हम तो आपसे ही प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा पता है, लेकिन एक बात कहूं, बुरा ना मानना, तेरे बगल में जो बैठी ना वो तेरे से ज्यादा सुंदर है। तेरे बगल वाले, अब जिसको सुंदर बोला था वो तो सातवें आसमान पर चढ़ पड़ी, और जब कह दिया तू सुंदर है लेकिन तेरे बगल वाली ज्यादा सुंदर है, तो भैया बगल वाली तो चौदहवें आसमान पर चढ़ गई, क्योंकि सात तो चढ़ ही चुके थे, और जो सात पर चढ़ी थी वो सातवें आसमान से जमीन पर। मैं सुंदर नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा मैंने तो कहा तू सुंदर है, लेकिन तेरे से सुंदर वो है ना, उसकी आंख देख, उसकी शक्ल देख, उसका रूप देख, गोरी है, सुंदर है। अब तो भैया जो अगल बगल बैठे थे बोले ये कन्हैया सच में बड़ा मन का काला है, शरीर का काला भी है, मन का काला भी है। क्यों, हम सुंदर नहीं क्या? रोज माखन खिलाते, रोज बुलाते, रास रचाने के लिए बोलते, हम इन्हें बचाते। भगवान ने कहा नाराज क्यों होती हो? सुन तो सही, इसका रूप सुंदर है, बाकी तू कितनी मधुर बोलती है, मीठी बोलती, तभी तो मैं तेरे पास आता हूँ। ये सब दिखने में सुंदर है, मन से तो काली है। अब जो चौदहवें आसमान पर थी वो तो गिरी नीचे धड़ाम से, और तीसरी चढ़ गई इक्कीसवें आकमा आसमान पर। इसलिए जानते हो अभिमान हमें गिरा देता है, रूप का अभिमान, सौंदर्यता का अभिमान, बल का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, भक्ति का अभिमान, नहीं होना चाहिए अभिमान। भगवान एक एक का गुणगान गाने लगे, अरे तू ज्यादा है सुंदर, चल तेरे साथ चलते, और चल पड़े भगवान उनके साथ वार्तालाप करने लगे। फिर वहां से भगवान दूसरे के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए, और जानते हो अंततः भगवान होते हुए भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए भगवान, अंतर्ध्यान हो गए भगवान। गोपियां आपस में पूछने लग गए, अरे कन्हैया कहाँ गया? उसने कहा कन्हैया उनके पास। उनसे पूछा कन्हैया कहाँ, तो उन्होंने कहा कन्हैया उनके पास। उनसे पूछा कन्हैया कहाँ, तो उन्होंने कहा कन्हैया अभी उनके साथ घूम रहा था। फिर उन्होंने पूछा कन्हैया कहाँ, तो किसी ने कहा कन्हैया उनके साथ चल रहा था। और गोपियां सब एक जगह इकट्ठा हुई, अरे कहाँ है कन्हैया? तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग गई कि कन्हैया सभी के पास था और सभी के पास से चला गया।